इस साल के कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर कई भारतीय सेलेब्स ने अपना डेब्यू किया। इस इवेंट में मृणाल ठाकुर से लेकर सारा अली खान तक कई दीवाज ने अपने फैशन स्टेटमेंट से सबका ध्यान खींचा। एक्टर्स के अलावा कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉली सिंह और रूही दोसानी पहली बार कांस पहुंचे। डॉली सिंह का आउटफिट 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से जीनत अमान के क्लासिक लुक से इंस्पायर्ड था। उनका पूरा आउटफिट पर्ल से डेकोरेटेड था। ब्लाउज से लेकर फ्लेयर्ड स्कर्ट पर कई मोती लगे हुए थे जिसे अबू जानी संदीप खोसला ने डिजाइन किया था। वहीं इन्फ्लुएंसर रूही दोसानी ने इंडियन लग्जरी डिजाइनर अमित अग्रवाल का सुपर वाइड लेग ट्राउजर पहना। साथ ही उन्होंने हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला 3D स्ट्रक्चर जैकेट पहनकर अपना रेड कार्पेट डेब्यू किया। वहीं उनके साथ रणवीर अल्लाबादिया भी नजर आए जिन्होंने 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया।